जहां तक नमक का सवाल है, हमारे पास में नमक की कोई कमी नहीं है और आज भी हमने देखा है जो डेली हमारे पास में प्राइसेस का मूल्य का आता है वही 14 रुपये 15 रुपये जो पिछले साल था और पिछले हफ्ता था वही चल रहा है। अब कोई आदमी पैनिक फैलाने की कोशिश करे तो सरकार को उसके खिलाफ में राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जब हम एज ए मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास में नमक की कोई कमी नहीं है तो राज्य सरकार जहां राज्य सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? राज्य सरकार एक्शन ले इसे लोगों के ऊपर में कि कौन जो है 200 रुपये किलो बेच रहा है और क्यों बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये कह देते हैं कि बिल्कुल गलत है और यदि कोई इस तरह की बात है तो सिर्फ जो है अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है और पैनिक फैलाने की कोशिश हो रही है। जो सरकार ने कदम उठाया है 500 रुपये और 1000 रुपये के बैन करने का। सर तो आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार के पास नमक की कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है, हमारे पास में कोई चीज की कमी अभी नहीं है। न नमक की कमी है, न चावल की कमी है, न चीनी की कमी है, न क्या कहते हैं कि गेहूं की कमी है, इवन दाल की भी कमी नहीं है। तो नमक का दाम बढ़ाना है तो सरासरी क्या कहते हैं कि अन्याय है।